तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज मैं आपको वाटर कलर का हम सीनरी में किस प्रकार यूज कर सकते हैं बहुत ही डिफरेंस ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस ये ब्रश है जो मैं यूज करता हूँ, ये मेरा थोड़ा टूट गया था तो ये हटाओ। गाइस ये हम लोगों को सॉफ्ट फ्लैट ब्रश यूज करना है। गाइस वाटर कलर में जब सीनरी बनाते हैं तो हमको इन्हीं ब्रशेस का यूज करना चाहिए, ये 10 नंबर है। गाइस क्या होता है ना, जब हम फेस ड्राइंग बनाते हैं तो उनमें हम डिफरेंस ब्रशेस का यूज करते हैं, बट जब हम सीनरी ड्रॉ करते हैं तो हमको इन्हीं ब्रश का यूज करना चाहिए, फ्लैट ब्रश का। सॉफ्ट ब्रश होते हैं और फ्लैट ब्रश का ही यूज करना चाहिए। गाइस ये कैमलिन ब्रांड के कलर हैं, ये बहुत ही नॉर्मल कलर हैं, आई थिंक सब जगह पर मिल जाना चाहिए, तो आप लोग इन सब को भी यूज कर सकते हैं। अब गाइस मैं बताऊँगा कि आप इन कलर की हेल्प से किस तरीके से सीनरी ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्रश में कलर ले लिया है। गाइस अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कलर करते जाएंगे। गाइस जो मैं ये पेपर यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी सॉफ्ट पेपर है, तो हो सकता है इसमें मैं अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इस पेपर पर मैं पहली बार ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कोई भी नॉर्मल पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये काफ़ी स्मूथ पेपर है तो हो सकता है उतना एक्यूरेट ड्रॉ ना हो। मैं भी अभी इसमें क्या है ना प्रैक्टिकल ही कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कैसा ड्रॉ होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। तो गाइस हम लोगों को क्या करना है, पहली वन लेयर जैसे मैं सनसेट की सीनरी बना रहा हूँ डूबता हुआ सूरज, तो गाइस मैं पहली लेयर ये रेड की कर दूंगा, फिर धीरे धीरे दूसरी लेयर तीसरी लेयर मैं आपको बताता जाऊँगा किस तरीके से ड्रॉ करनी है, आप ऑब्जर्व कीजिए और बहुत ही ईजी मेथड से आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड येलो की भी हमारी अच्छे से लेयर कंप्लीट होने लगी है, इन दोनों को हम रेड और येलो को मिक्स कर देंगे तो अच्छा सा पैटर्न एक देखने को मिलेगा। अब आप इसी तरीके से जस्ट नीचे करेंगे, पहली लेयर हम रेड की करेंगे उसके बाद येलो की, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। गाइस मिक्स करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और अच्छे से मिक्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको एक्यूरेट ड्रॉ होने लगेगा। गाइस अब मैं येलो कलर लूँगा, अब आप देखिए आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि मैं किस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ, ठीक जस्ट आप ऐसे मिक्स कीजिए। गाइस मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम बना सकते हैं, सिर्फ बता रहा हूँ मैं, मतलब ये एक्यूरेट ड्रॉ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अब गाइस ऊपर आसमान क्या है ना थोड़ा सा डार्क है, तो हम ब्लैक की भी लेयर जस्ट वैसे ही करेंगे और उसको रेड के साथ मिक्स कर देंगे, सिंपल। गाइस इसी तरीके से आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और जब गाइस आप 1, 2, 3, 4 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना आने लगेगा। अब गाइस हम डार्क टू लाइट सेट कर रहे हैं इसीलिए नीचे की ओर और लाइट होगा, तो मैंने येलो और वाइट को थोड़ा सा मिक्स कर दिया, फिर उसको हम धीरे धीरे करके नीचे लाते जा रहे हैं। और गाइस जो ऊपर येलो था उसको हम वाइट के साथ मिक्स कर देंगे ताकि एकदम एक्यूरेट ड्रॉ हो। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से स्काई और वाटर दोनों ही ड्रॉ हो गए, अभी तो पता भी नहीं चल रहा कि स्काई किधर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बीच से लाइन खींच सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये मैंने ब्लैक कलर लिया है, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पहाड़ लगे, ये लाइन एक्यूरेट ड्रॉ होती जाए। आप लोग भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है, मतलब ये समझ लीजिए वाटर कलर का ये शुरुआती हिस्सा है, अगर हमने ऐसे ही सीखा तो हम खुद से वाटर कलर ड्रॉ करना बनने लगेगा। इसीलिए मैंने ये सबसे इजी वाली सीनरी ही ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को एकदम एक्यूरेट समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके कि बनाकर, यदि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क लेता तो शायद आप लोगों को उतने क्लियरली समझ में नहीं आता। गाइस अब हम बोर्ड को ड्रॉ करेंगे, इसमें भी हम ब्लैक कलर ही करेंगे क्योंकि इससे शैडो दिखाना है एक तरफ से, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने ये सीनरी ड्रॉ की है इजी वाली ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब गाइस ब्लैक कलर करने के बाद ये मेरे लिए न्यू पेपर है, इसमें मैं थोड़ा वाटर का टेक्चर भी दिखाना चाहूँगा, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इसमें कैसे ड्रॉ होता है, आप लोग नॉर्मल पेपर यूज कीजिए। तो गाइस मैं अब ब्लैक कलर एंड रेड कलर को मिला करके थोड़ा मैं पानी का जो लहरें होती हैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं अच्छे से हो पाता है। अब मैं देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत ही न्यू पेपर है,
गाइस ये मैंने ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ की थी सिर्फ आपको समझाने के लिए। गाइस हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ये लेयर, इसलिए मैं इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी गाइस आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि हम वाटर कलर का यूज करके किस प्रकार से सीनरी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।